अस्सलाम वालेकुम डियर वंस, वेलकम बैक टू एमएस एंड मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। डियर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक्सरसाइज 3.5 की बात कर रहे हैं। अगर आप लोग जो है एक्सरसाइज 3.5 की प्रीवियस वीडियोस का लिंक देखना चाहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, यहाँ पे आई बटन पर भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो डेरिवेटिव्स की एक प्लेलिस्ट भी मैंने अपलोड की हुई है, वो भी जो है वो आप लोग जाके लाजमी विजिट कीजिए। इसके अलावा जो बाकी एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर नंबर 3 की, या फिर जो चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 की जो है प्लेलिस्ट का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप लोग है ना वहां पे जाके चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर हम आज के लेक्चर की बात करूं तो आज के लेक्चर के अंदर इसी एक्सरसाइज 3.5 के बाद वाले जो हमारे पास क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स वाला जो हमारे पास पोर्शन है, इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 से लेकर क्वेश्चन नंबर 56 तक आज के लेक्चर में बात करूंगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी आप मेरे चैनल पर पहली दफा आए हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 साइन टू 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर 2। लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, आपने बड़े तहम्मल के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ कंप्लीट लेक्चर देखना है। मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी बताता हूँ कि आपने जो है वो हम लोगों ने बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या, उसने पूछा क्या हुआ है, कहता जी फाइंड द लिमिट्स, हम लिमिट्स फाइंड आउट करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। साइन 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर 2 दिया हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे 2 पुट कर देंगे, लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखें बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, बात करते हैं आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है भाई, तो देखें जी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 साइन इंटू, सबसे पहले ये लिख लें 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर 2, मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब आप लोग जो है ना वो इस फंक्शन में भी और इस फंक्शन में भी आप लोग लिमिट अप्लाई करवा देंगे, तो ये आपके पास क्या बनेगा, साइन इंटू लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 1 ओवर एक्स माइनस, इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई करवा दें, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 1 ओवर 2। अब देखें यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, साइन इंटू, अब 1 ओवर x है, x की जगह पे 2 पुट करेंगे ये बन जाएगा 1 ओवर 2। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर लिमिट का कोई असर नहीं होता, ये वैसे के वैसे ही आ जाती है, तो ये माइनस 1 ओवर 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये आप लोगों के पास क्या बनेगा, 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 आपके पास होता है 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है। अब वैल्यूज का कैसे पता चलेगा आपको, वैल्यूज का आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के जरिए पता चलेगा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आता है, अगर आपको नहीं आता, आप लोग सीखना चाहते हैं, सेकंड्स के अंदर आप लोग इसका आंसर निकालना चाहते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थंबनेल जो है ना मैंने शो की अपनी वीडियो के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिक मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, वीडियो जाके लाजमी देखे, यहाँ पे आई बटन पे भी जाके आप लोग लिंक शो, आपको जो है ना वो टाइटल शो हो रहा होगा, आप लोग जो है ना वो वीडियो को लाजमी देखें, उसके जरिए आप लोग इजिली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू सेकंड्स के अंदर जो है आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने जेहन के अंदर याद रख सकते हैं। वापस आते हैं, बात करते हैं इस क्वेश्चन की, साइन 0 की बात करें, साइन 0 0 के बराबर होता है, यही आंसर था आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 49 का। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जी नेक्स्ट हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस पाई बाई 6 1 प्लस कॉस इनटू पाई कोसेकेंट एक्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपके पास पाई बाई 6 है ये बेसिकली होता है 180/6, ये बेसिकली होता है आपके पास 30, ठीक है जी, 1 प्लस कॉस इनटू पाई कोसेकेंट एक्स। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ही लिमिट अप्लाई करवा देते हैं आपका टाइम वेस्ट किए बगैर, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लिमिट अप्लाई करवाता हूँ तो जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे माइनस पाई बाई 6 पुट करेंगे। अब क्योंकि आपके पास 1 है तो 1 का जो है आप लोगों को पता 1 एक कॉन्स्टेंट है, तो उसके ऊपर लिमिट का कोई असर नहीं पड़ता, 1 वैसे का वैसे ही आ जाता है। 1 प्लस कॉस इंटू पाई कोसेकेंट एक्स की जगह पे आप लोग पुट कर दें माइनस पाई बाय 6। अब देखें जी आप लोगों के पास यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा जी 1 प्लस कॉस इंटू पाई, अब कोसेकेंट माइनस पाई बाय 6, यानी कि पाई बाय 6 30 होता है, कोसेकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, कोसेकेंट किसका उल्टा होता है, कोसेकेंट उल्टा होता है साइन का, कोसेकेंट किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन पाई बाई 6 साइन 30 किसके बराबर है, साइन 30 बराबर होता है 1 ओवर 2 के, जब साइन 30 1 ओवर 2 के बराबर होता है तो फिर साइन का उलट कोसेकेंट 30 किसके बराबर होगा 2 के। देखे ना साइन पाई बाई 6 किसके बराबर होता है 1 ओवर 2 के, 1 ओवर 2 के, तो साइन का उल्ट जो कोसेकेंट है कोसेकेंट पाई बाई 2 फिर इसको उल्टा आ दिए 2 के बराबर होगा, क्योंकि साथ माइनस भी है तो साथ माइनस भी लगा देते हैं, ठीक है,
शायद माइनस क्यों आएगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पे माइनस आएगा साथ या नहीं आएगा, तो देखिए ये 30 की बात कर रहा है, माइनस 30 की बात कर रहा है। तो जब जो है ना वो इस तरफ ये जाएगा, यहाँ से नीचे को जाएगा, यहाँ से नीचे को जाएगा 30, तो नीचे को जाएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, क्योंकि माइनस की तरफ है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसिकेंट जो होता है वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता। साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है एक तो पहले क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में, ये पॉजिटिव होता है, बाकी तीसरे में और चौथे में ये नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना वो ये इसके साथ इसकी वैल्यू नेगेटिव में ही आएगी। तो यहाँ पे आपके पास फिर बन जाएगा माइनस टू। उसके बाद देखें जी ऊपर आप लोगों के पास यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया। अब ये वन वैसे के वैसे ही आ जाएगा प्लस, ये बन जाएगा कॉस इंटू माइनस टू पाई, कॉस माइनस टू पाई ऊपर यहाँ पे आप लोगों के पास स्क्वायर रूट आ गया। अब देखिए वन प्लस कॉस माइनस टू पाई किसके बराबर होता है, कॉस जीरो वन के बराबर होता है, कॉस पाई माइनस वन के बराबर होता है, कॉस टू पाई वन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये वन के बराबर होता है तो यहाँ पे भी आप लोग वन लिख सकते हैं। अब कॉस के साथ जो माइनस होता है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, ये आप लोगों को पता होगा या फिर जहन में रख लें। कॉस के साथ जो माइनस होता है वो पॉजिटिव में चेंज होता है, कॉस कुछ कॉस थीटा, कॉस इंटू माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो वन प्लस वन का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा टू का स्क्वायर रूट। यही आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का। नेक्स्ट देखें हम क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू माइनस पाई बाई सिक्स साइन थीटा माइनस वन ओवर टू ओवर थीटा माइनस पाई बाई सिक्स। तो यहाँ पे देखें अगर मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे लिमिट अप्लाई करवाता हूँ थीटा की जगह और मैं माइनस पाई बाई सिक्स पुट करता हूँ, तो साइन थीटा यानी कि साइन पाई बाई सिक्स माइनस वन ओवर टू ओवर थीटा पाई बाई माइनस पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई सिक्स यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे आप लोगों के पास क्या बनेगा, आई थिंक ये पाई बाई सिक्स है, माइनस पाई बाई सिक्स नहीं है, देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ना ये माइनस पाई बाई सिक्स नहीं है, पाई बाई सिक्स है। तो साइन पाई बाई सिक्स वन ओवर टू होता है, वन ओवर टू माइनस वन ओवर टू जीरो बन जाएगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर के अंदर पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई सिक्स ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन जाएगी, जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन जाएगी। तो जब मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन जाती है हम लिमिट नहीं उसकी फाइंड कर सकते, उसके लिए डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग रैशनलाइजेशन करते थे या फिर इसके अलावा हमारे पास एक मेथड है लिमिट फाइंड आउट करने के लिए, वो है एल हॉस्पिटल रूल। मे भी आपने नाम सुना होगा एल हॉस्पिटल रूल, पता नहीं उसका नाम हॉस्पिटल है या हॉस्पिटल है, जो भी साइंसदान का नाम है। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है डिटेल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना एल हॉस्पिटल रूल के ऊपर अपलोड करूंगा, आपने लाजमी देखना है। अभी मैं थोड़ा सा आपको उसका बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं कि यहां पे एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगाते हैं, बहुत ही सिंपल शॉर्ट सा मेथड है। देखें जी जब इस तरह की फॉर्म बन रही हो आपके पास, ऊपर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन हो नीचे जी एफ एक्स फंक्शन हो, आप लोग लिमिट अप्लाई करवाएं तो वो जीरो ओवर जीरो फॉर्म बने। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है जी, लिमिट फर्ज की तो एक्स अप्रोचेस टू सी, आप लोग क्या करेंगे ऊपर वाली का भी एफ प्राइम इनटू एक्स ओवर जी प्राइम इनटू एक्स, आप लोग क्या करते हैं ऊपर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव लें, नीचे वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव लें, आप लोग लिमिट अप्लाई करवाएं, तो जो इसका आंसर आएगा जो इसकी लिमिट होगी वही इसकी लिमिट होगी। ये कहता है एल हॉस्पिटल रूल। लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जब आप लोग डेरिवेटिव लें डिनोमिनेटर का, जब नीचे जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लें वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर जी डैश ऑफ एक्स जीरो के बराबर आ गया तो समथिंग ओवर जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा, आंसर नहीं मिलेगा, लिमिट नहीं फाइंड आउट हो सकेगी। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने ये बात ध्यान में रखनी है कि ऊपर वाली का भी डेरिवेटिव लेना है, नीचे वाली का भी डेरिवेटिव लेना है, लेकिन शर्त यह है कि डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। फिर हम वहां पे एल हॉस्पिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें जी बात करते हैं, आप इसका डेरिवेटिव लेके चेक करते हैं। तो डेरिवेटिव लेंगे जब आप लोग के पास यहाँ पे क्या बनेगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू पाई बाय सिक्स साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, ना लिखें डिनोमिनेटर में आ जाए थीटा, थीटा का डेरिवेटिव हम थीटा के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, थीटा का डेरिवेटिव वन होता है, वन, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो उसको नीचे कुछ भी ना लिखें, वन माइनस जीरो वन ही होना है, सिर्फ आपके पास आ गया कॉस थीटा। अब आप लोग क्या करेंगे, थीटा की जगह पे पाई बाई सिक्स लिमिट अप्लाई करवा दें, कॉस पाई बाई सिक्स पुट करें,
तो कॉस पाई बाई सिक्स यानी कि कॉस 30 किसके बराबर होता है, 3 का जजर बटा 2, स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 के बराबर होता है जी, स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। यही आप लोगों के फाइनल पास फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 51 का। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 मैंने आपको करवाया, क्वेश्चन नंबर 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, वो भी बिल्कुल इसी तरह का, उसमें देर इज नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं है, उसके अंदर भी आप एल हॉस्पिटल रूल लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग असाइनमेंट के तौर पे करें, अगर आपको समझ नहीं आती आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। इसके अलावा अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए भी आप हम इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो लेक्चर के हवाले से आप किसी भी क्यूरी के हवाले से हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, मैं भी जो है इतना लंबा सा क्वेश्चन दे के आप लोगों को डर लग रहा हो, लेकिन MSN मैथमेटिशियन आपका डर खत्म करने के लिए, आपका डर जो है ना वो जड़ से उखाड़ने के लिए ही यहाँ पे मौजूद है। आप लोगों को डरने की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बात करते हैं, बहुत ही सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे जीरो पुट करेंगे, लिमिट अप्लाई करवाएंगे, तो जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे जीरो पुट करेंगे, हम लोग डायरेक्ट ही लिमिट अप्लाई करवा देते हैं। तो देखें ये आपके पास क्या आएगा, सीकेंट इंटू कॉस एक्स की जगह पे जीरो पुट करें, जीरो पुट कर दिया, प्लस पाई टेन, यहां पे भी पाई ओवर फोर, सीकेंट एक्स की जगह पे जीरो पुट किया, उसके बाद माइनस वन, ब्रैकेट बंद हो जाएगी। उसके बाद देखें यहाँ पे क्या बनेगा, सीकेंट इंटू, हम लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं 9-10 FSC से पढ़ते आ रहे हैं, कॉस 0 1 के बराबर होता है, 1 प्लस पाई टेन। उसके बाद देखें ये क्या बनेगा आपके पास, पाई ओवर 4, सीकेंट किसका उल्टा था, कॉस का, तो कॉस 0 1 होता है, सीकेंट 0 भी फिर 1 नहीं होगा, तो 1 लिखें ना लिखें आपकी मर्जी है, माइनस 1 इसको हमने कर दिया। आप देखें जी आपके पास ये 1 है, ये माइनस 1 है, 1 और माइनस 1 आपस में घर चले जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सीकेंट इंटू आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, पाई टेन पाई बाई 4, ये आपके पास बच जाएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप लोगों ने मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिक वाली वीडियो देखी है, लेक्चर देखा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि टेन पाई बाई 4 1 के बराबर होता है, टेन पाई बाई 4 टेन 45 डिग्री 1 के बराबर होता है। तो ये 1 के जब बराबर होगा तो सीकेंट पाई, ये 1 के बराबर, तो ये बन गया सीकेंट पाई, ये बन गया सीकेंट पाई। अब जो है ना वो सीकेंट पाई, सीकेंट किसका उल्टा, कॉस का, कॉस पाई होता है जी आपके पास माइनस 1 के बराबर, तो माइनस 1 को उल्ट भी माइनस 1 नहीं होता है, तो माइनस 1 ही फिर इसका आंसर आ जाएगा। यही आ गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 53 का। वीडियो अच्छी लगती है, लाल बटन को आपसे रिक्वेस्ट है कि लाजमी प्रेस किया करें, अपने क्लासमेट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिए, अच्छी चीज़ है, अच्छी बात को शेयर करना सदके में आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं, देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin into पाई प्लस tan x ओवर tan x माइनस 2 secant x। तो यहां पे देखें जी डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करवा देते हैं, जैसे कि हम पहले अप्लाई करवा रहे हैं, तो ये बनेगा sin into पाई प्लस tan 0 पुट कर दें, tan 0 और डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, ये भी बन जाएगा आप लोगों के पास tan 0 माइनस 2 secant into 0। तो देखें जी अब आप लोगों के पास यहां पे क्या बनेगा, sin into, अब ये आप लोगों के पास tan 0 है, tan 0 1 के बराबर होता है, तो ये ऊपर आ जाएगा पाई ओवर, नीचे tan 0 1 के बराबर, ये बच गया माइनस 2 secant 0, secant 0 1 के बराबर होता है, लिखे कहाँ पे क्या डस्टर जी, secant 0 भी 1 के बराबर होता है, तो ये भी जब 1 पुट करेंगे तो ये भी आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 1 ना लिखें माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा, पाई बाई 2 होता है 90, तो साइन 90 होता है 1 के बराबर, साइन 90 1 के बराबर होता है, तो साथ माइनस भी मौजूद है, साइन के साथ माइनस बाहर आ जाता है, साइन माइनस ख़त्म नहीं होता, ठीक है। तो ये जो है ना वो माइनस 1 फिर इसका आंसर आ जाएगा, पाई बाई 2 90, साइन 90 1 और साथ ये माइनस माइनस 1, ये आ गया आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 54। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। क्वेश्चन नंबर 55 बहुत ही शॉर्ट और सिंपल सा क्वेश्चन है कि लिमिट टी अप्रोच जीरो, यहाँ पे जो है वो आप लोग लिमिट अप्लाई करवाएं, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करवाएं, तो ये बनेगा टेन इंटू, अब वन वैसे का वैसे आएगा, वन माइनस साइन, आपके पास ये जीरो है, साइन जीरो ओवर जीरो। अब यहाँ पे देखें आप लोग जो है वो डिफरेंट यहाँ पे लिमिट अप्लाई करवाएं, ठहर जी यहाँ पे देखें, बहुत ही सिंपल सा मैं इसको बनाने लगा, यहाँ पे एक छोटा सा थ्योरम इस्तेमाल होगा,
टेन इंटू वन वैसे के वैसे लिखे, इसमें ले जाना लिमिट अप्लाई करवा दें, लिमिट टी अप्रोचिज टू जीरो साइन टी ओवर टी। अब ये देखिए आप लोगों के पास क्या बनने जा रहा है, टेन इंटू वन माइनस, ये दरअसल आप लोगों के पास एक थ्योरम है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर किसी वेरिएबल की जो है ना लिमिट जीरो की अप्रोच कर रही हो और साइन टी उस वेरिएबल के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो साइन हो, साइन टी और डिनोमिनेटर में भी जो है ना वही वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा हो, वही एंगल उसी एंगल के साथ साइन टी ओवर टी, टी अप्रोचेज टू जीरो साइन टी ओवर टी, या फिर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स, या फिर लिमिट थीटा अप्रोचेज टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा। ये एक थ्योरम हमारे पास जो कि वन के बराबर होता, हमने साबित भी किया था, मुझे अब याद नहीं आया, मैं भी जनरल चैप्टर नंबर टू में ही हमने ये थ्योरम पढ़ा था कि ये वन के बराबर होता है, लिखिए वन माइनस वन तो ये बन जाएगा जी टेन जीरो। तो यहाँ पे आप लोगों के पास यहाँ पे टेन जीरो आ चुका है, टेन जीरो किसके बराबर होता है, टेन जीरो जीरो के बराबर होता है, टेन जीरो किसके बराबर होता है, टेन जीरो जीरो के बराबर होता है, यही इसका फाइनल आंसर। आई थिंक मैंने क्वेश्चन नंबर 54 में यहाँ पे आप लोगों को बताया कि टेन जीरो वन के बराबर नहीं होता, टेन जीरो जीरो के बराबर ही होता है, तो टेन जीरो जीरो होगा तो ये पाई बचेगा, ये भी टेन जीरो जीरो होगा तो माइनस टू सीकेंट जीरो यहाँ पे बचेगा, तो टेन जीरो वन नहीं होता, टेन जीरो जीरो ही होता है। ये क्वेश्चन नंबर 55। उसके बाद आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करने का था, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू जीरो कॉस इनटू पाई थीटा ओवर साइन थीटा, चुटकी में ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिखें लिमिट अप्लाई करवा दें, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू जीरो, यहाँ पे जना आप लोगों के पास कॉस इनटू ये पाई है, हाँ यहाँ पे आप लोगों के पास पाई है, और इसके साथ जो है ना वो इसको लिख लें साइड पे कर लें थीटा ओवर साइन थीटा, पाई को मैंने साइड पे कर लिया, थीटा ओवर साइन थीटा को मैंने साइड पे कर लिया, तो ये आप लोगों के पास अब क्या बनेगा, इसके ऊपर जो है ना लिमिट अप्लाई करवा देते हैं, कॉस पाई लिमिट थीटा अप्रोचेज टू जीरो थीटा ओवर साइन थीटा। मैंने क्या किया, कॉस पाई को साइड पे कर लिया क्योंकि यहाँ पे तो थीटा मौजूद ही नहीं है, ये साइड पे आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिमिट अप्लाई करवा दी थीटा ओवर साइन थीटा। अब यहाँ पे हमने वो वाला थ्योरम बनाना जो मैं हमने इसी क्वेश्चन में किया है, क्वेश्चन नंबर 55 में, कैसे बनाएंगे, कॉस पाई, अब देखें यहाँ पे क्या होगा, थीटा ओवर साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ लिमिट थीटा अप्रोचेज टू जीरो वन ओवर साइन थीटा ओवर थीटा, मैं लिख सकता हूँ वन ओवर साइन थीटा ओवर थीटा, क्योंकि इसको लिख सकता हूँ वन ओवर साइन थीटा ओवर थीटा, क्योंकि ये थीटा जब ऊपर वन से मल्टीप्लाई होगा तो फिर यही आएगा, इसको मैंने उल्टा आगे इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास अब क्या बनेगा, यहाँ पे देखें जी, कॉस पाई, अब ऊपर वन वैसे का वैसे ही आ जाएगा, नीचे लिमिट अप्लाई करवा दें, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा, अब ये साइन टी ओवर टी या साइन थीटा ओवर थीटा ये वन के बराबर होता है, ये मैंने आपको बताया कि थ्योरम है, तो ये क्या बनेगा, कॉस पाई, ये ऊपर भी वन नीचे भी वन तो वन ओवर वन वन ही होता है, कॉस पाई किसके बराबर होता है, कॉस पाई माइनस वन के बराबर होता है, तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर माइनस वन। तो ये कंप्लीट हो चुका आज का लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 56 तक हमने जाना वो बात की, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एल ऑपरेटर रूल को जो है ना वो डिफाइन भी करूंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा, आप लोग जो है ना वो अपना भी ख्याल रखा करें, हमारे चैनल का भी ख्याल रखा करें, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।